ले चलता हूं। राकेश टिकैत इस किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और इन दिनों किसान क्रांति के प्रतीक बन चुके हैं, मेरे साथ सीधे लाइव मौजूद हैं। राकेश टिकैत जी, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद। मैं आपकी व्यस्तता समझ सकता हूं, आप इन दिनों काफ़ी व्यस्त हैं, लेकिन मेरा मैं तो दो चार सवालों के साथ तैयार हूं आपके लिए, बातचीत के लिए। तो मेरा पहला प्रश्न है कि 28 तारीख की शाम जब लग रहा था कि आंदोलन हाथ से फिसल गया, आंदोलन लगभग खत्म होने वाला था, स्थितियां विपरीत हो गई थी, साथी साथ छोड़कर चले गए थे, उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था शाम को 28 तारीख? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो बाद में पता चला कि खबरों में चल रहा था कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो बहुत चैनल इस चीज को रिपीट कर रहे थे। और वहां पे एक माहौल क्रिएट करा गया कि उसकी परेड मार्च करवाई गई, पुलिस की इसकी करवाई गई, उसका कोई ऐतराज नहीं होता। आंदोलन होता है, पुलिस का अगर आंदोलन को नहीं चलने देना चाहती सरकार तो उसका राइट है, वो हटा सकती है। हमने ये कहा जब वहां ऊपर मंच पर गए कि भाई आप हमको ये दिखाओगे क्या वो है, लिखित में दो आप हमको। लिखित में उन्होंने कहा जी यहाँ पे पोल्यूशन फैल रहा और रास्ता जाम है, पब्लिक की वो है, कभी आप हटा दो हमको। ये बात चली रही थी, हमने कहा कि आप जबरदस्ती हटाओ, आप हमारी पक्की गिरफ्तारी लो लिखित में, आप दो हमको, यहां लगाओ गाड़ियां, लोगों करो पुलिस बल का प्रयोग, हम नहीं हटाते। उसी टाइम पे करीब 200 लोग यहां पे नीचे लाठियां चला रहे, गाली गलौज कर रहे हमारे बुजुर्गों के साथ। पुलिस कौन सा पल था जब आपने पूरी अंदर की हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत के साथ दोबारा? नहीं, हिम्मत को नहीं, हिम्मत तो ये थी ना कि गुंडे आगे रहेंगे और पुलिस पीछे रहेगी, ये षड्यंत्र था। कानून की धज्जिया उड़ाई गई, संविधान की धज्जिया उड़ाई गई। मैं कोई हम जेल से नहीं डरते, टिकैत साहब 350 बार जेल गए, मैं करीब करीब 48 बार जेल गया। जेल कैसे जाना होता है, आंदोलन कैसे वो होता है, संविधान के तहत आंदोलन कैसे चलाया जाता है, वो हमको बेखूबी पता है। लेकिन अगर उसकी आड़ में एक समाज को बदनाम करके, एक समाज को कलंकित करके, उसको अपमानित करके, अब उसको यहां से साजिशन के तहत ये कहा जाए, खास करके सरदार कौम को और उसके साथ में किसान कौम को, कि ये बहुत बड़े गद्दार हैं, इनके जाते हुए के ये भी साजिश थी कि लोग डले मारते, झंडों से नफरत करते और इतनी नफरत फैला दी थी कि उसका कोई ओट पेट नहीं था। और इतनी हिम्मत आपने जुटाई कैसे जब लग रहा था कि बाजी हाथ से निकल गई, तो इतनी हिम्मत कहां से जुटाई? ऐसा ऐसा कोई बाजी नहीं निकली थी, हम डंडा हाथ में नहीं लेना चाहते थे, नहीं तो वहां पे करीब 1500 लोग थे, 200 आदमी गुंडा मुकाबला कर ले। भाई गुंडे का मुकाबला तो हम डंडे से जरूर करेंगे, पुलिस के सामने हम नहीं उठाएंगे, आप हमारे ऊपर लाठी चलाओ। अरे साथ नहीं वहां पे तेरी जी, वहां पे पूरा पुलिस बैरिकेटिंग लगाकर 2000 पुलिस खड़ी और 200 आदमी की हिम्मत के वो किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। मैं आपको पिछले 20 साल से जानता हूं, आप 20 साल में कभी विपरीत से विपरीत हालात में भी आप कभी रोए नहीं, आप भावुक क्यों हो गए थे? हमको भावुक ये हुआ, हमको आप गिरफ्तारी से उससे कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, आपको सरकार को आंदोलन नहीं चलने देना, आप लाठी चार्ज करके गिरफ्तार करो, आप भगा दो, टेंट तोलो जलाओ, सरकार करे, गुंडा नहीं कर सकता। हमारे बुजुर्गवार के ऊपर लाठियां चलाएगा गुंडा, पुलिस खड़ी देखेगी, ये नहीं होगा। संविधान की धज्जियां उड़ाई गई उस दिन, उसका मुकाबला करा गया। और हमने जब मांगा कि पानी हमारा पहले बंद करा, हमारा बिजली बंद करी, एक टेरर बैठाने की कोशिश करी, हमने कहा कि पानी आएगा पानी। अच्छा, जब जिलाधिकारी एसएसपी और इतनी भारी फोर्स थी, आपको एक क्षण के लिए भी डर नहीं लगा था? फोर्स से कोई डर नहीं लगता, आंदोलनकारी तो फोर्स से कोई भी नहीं डरता। अगर आंदोलनकारी होगा उसका फोर्स से डरने का मतलब ही कुछ नहीं है। आप भगाओ ना, आप पुलिस के टीयर गैस छोड़ दो, आप पानी छोड़ दो, आप गिरफ्तारी करो, आप लाठियां चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये संविधान में उनको अधिकार दे रखा है। लेकिन
जी और उसके बाद